हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट ने हमें 5000 सब्सक्राइबर के बिल्कुल नजदीक पहुंचा दिया है। होपफुली जो हमारे इस मंथ का टारगेट था 5000 सब्सक्राइबर का, वो हम आज या कल के अंदर ही अचीव कर लेंगे, 12 दिन पहले। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा FDSA, बिकॉज लास्ट वीडियो जो मैंने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन पे बनाई थी, उसके बाद काफी सारे लोगों का कमेंट आया कि सर, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो हमारा FDSA है, उसके ऊपर भी आप वीडियो बनाइए और बताइए कि जैसे IDSA था, वैसे ही FDSA की क्या क्रेडिबिलिटी है। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप गूगल पे FDSA लिखते हैं, तो वहां पे सबसे पहले इनका लिंक आ जाता है, FDSAIndia.org। उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, तो एक ऐसा वाला टैब ओपन हो जाता है जिसमें कि उनका FDSA का होम पेज है, जहां पे उनके जो भी इवेंट हैं वो सारी की सारी इन लोगों ने बता रखी होती हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये क्या है FDSA, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो अबाउट FDSA में आप जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैंने टैब पहले से ओपन कर लिए हैं, तो आप जाके यहाँ पे एक एक टैब ओपन करके देख सकते हैं। आप FDSA में जाओगे तो यहाँ पे आएगा कि ये फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये नॉन पोलिटिकल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और हैदराबाद में रजिस्टर्ड है। तो आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं इसके बारे में। फिर इसका जो मिशन एंड विजन है, वो है एडवोकेटिंग गवर्नमेंट, सो डेट की गवर्नमेंट हमारी जो है वो लॉ ला सके डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। बिकॉज अभी तक क्या हुआ है कि ये हमारा दुर्भाग्य समझिए इस देश का, कि आज तक इस देश के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर कोई भी लॉ नहीं आया है। जस्ट गाइडलाइन आई है, वो भी क्या है कि उसमें भी काफी सारी चीजें हैं जो ग्रे ग्रे है, मतलब ग्रे एरिया है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो ग्रे एरिया है। तो होपफुली कि बहुत जल्दी इंडियन गवर्नमेंट जो है ये गाइडलाइन के ऊपर ही लॉ भी लेके आएगी। तो उस टाइप की ये चीजें करेंगे, एडवोकेट करेंगे गवर्नमेंट को, अवेयरनेस कैंपेनिंग एंड एबिलिटी टू विजिलेंट एंड सर्विजिलेंस। तो इस तरीके का इनका ये पूरा का पूरा विजन एंड मिशन यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बिकॉज हमारा जो मेन यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये जानना है कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इन सब चीजों के अंदर ज्यादा जा नहीं रहा हूँ ना। और हमारा मेन यहाँ पे वीडियो में रहेगा ये कि हमें ये चेक करना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले तो निष्पक्ष होनी चाहिए, ये किसी के भी उसमें नहीं होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, कोई प्राइवेट बॉडी जरूर हो बट निष्पक्ष हो। और साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से कुछ कोई की कोई एजेंसी है, तब तो बहुत बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलो दोस्तों, देखते हैं कि क्या है ये FDSA, किन लोगों ने स्टार्ट की है ये। तो दोस्तों, यहाँ पे आके मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था, क्योंकि FDSA भी क्या है ये तो हमें पता था, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये नहीं पता था कि ये भी एक क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की ही चार कंपनियों ने मिलकर स्टार्ट कर लिया। जैसे IDSA में हमने देखा था कि कहने को तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन था, बट उसको उसके फाउंडिंग मेंबर में कौन था, एमवे, एवॉन और ओरिफ्लेम, जो कि तीनों के तीनों इंडियन कंपनी नहीं है, बट उसको फिर भी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर वो डिसाइड कर रही है कि वो किसको वहां पे वो अलाउ करेंगी, IDSA से अप्रूव करेंगी। तो यहाँ पे भी क्या है दोस्तों कि आप सब देख सकते हैं कि उसी कंसेप्ट पे क्या किया गया है, इन लोगों ने एक FDSA बना लिया गया जिसमें हमारी इंडिया की कुछ कंपनी जैसे कि RCM, ARL, सरसो एंड ट्रांस इंडिया करके, इन चार कंपनियों को फाउंडर मेंबरशिप दी गई है। इन चार कंपनियों में से आप सरसों को शायद जानते ही होंगे, सरसों जिनकी है शायद मोहित सरदाना जी की है, वो इबिज के अंदर एक टाइम पे बहुत बड़े लीडर होते थे। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज है कि पहली चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फाउंडर मेंबर हैं, अगर ये लोग इसके अंदर भी इन्वॉल्व हैं कि कैसे किसी कंपनी को इस FDSA का अप्रूवल मिलेगा, तो वहीं पे इसकी पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, वहीं पे इसकी पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो नियर अबाउट जीरो हो जाएगी। क्योंकि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किसी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अगर अप्रूव कर रही है, ये कोई बैच दे रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ही हाईली अनलाइकली इवेंट हो जाती है। क्योंकि आपने देखा है कि नॉर्मली क्या होता है, अगर आप किसी वेस्टीज वाले से मिलो तो वो मोदी केयर वाले को गालियां दे रहा होता है कि उनका प्रोडक्ट बेकार है, मोदी केयर वाले से मिलो वेस्टीज वाले को, बाकी सेफ सॉप वाले से मिलो तो किसी और कंपनी को बोल रहा होता है, किसी और कंपनी से मिलो सेफ सॉप, मतलब होता क्या है नॉर्मली ये ट्रेंड है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के बारे में नेगेटिव ही बोल रही होती है, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जो कि नहीं होना चाहिए बट ज्यादातर होता है। तो वही चीज क्या है कि जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की है वो लोग भी अगर आप देखेंगे तो ये चार जो कंपनियां हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये बहुत इजी तरीके से है? मतलब ये एक ह्यूमन एक तरीके का आप बोल सकते हैं कि एरर होता है कि कहीं ना कहीं जो हम होते हैं वो ब्यास रहेंगे किसी ना किसी तरफ से, और सेंसिबल भी नहीं बनता है कि
ऐसी एजेंसी का अप्रूवल लेना जो कि खुद डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये भी वही हुआ है FDSA, ऐसे तो आप भी बना सकते हो अपना GDSA, TCSA, कुछ भी बना लो। दो चार कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट करो, दो दो कंपनियां में तो एक कंपनी भी बना सकती है, एक कंपनी अपना एक बना ले, क्या बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग ऑफ इंडिया, इस तरीके से कुछ भी बनाए और उसको फिर प्रमोट करना स्टार्ट कर दे और फिर लोगों को उसको इस तरीके से दिखाए कि अगर आपके पास ये अप्रूवल नहीं है तो मतलब आपकी कंपनी अच्छी नहीं है। तो ये एक तरीके की मार्केटिंग है। बट फिर भी हम देख लेते हैं कि फाउंडर मेंबर्स का अभी तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट अभी मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, शायद आपको भी क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर इन फाउंडर मेंबर्स जो है, ये फाउंडर मेंबर, इनके अगर इन्वॉल्वमेंट होगा FDSA के अप्रूवल देने में, तो वहीं पे इसकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि क्या है फाउंडर मेंबरशिप, हमने देख लिया चार कंपनियों के थ्रू है। बाकी है फेलो मेंबरशिप। फेलो मेंबरशिप में कौन है, माई रिचार्ज, यूनिबेज, MI लाइफस्टाइल, एड्स ऑफ प्रमोशन, इस टाइप से हैं और इनको इन्होंने नाम दिया है फेलो मेंबरशिप। आप यहाँ देख सकते हैं यह है फेलो मेंबरशिप, शायद इनका मेंबरशिप का अलग अलग क्राइटेरिया होता होगा, तो ये फेलो मेंबरशिप है, इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं। फिर एक इनका है प्रोविजनल मेंबरशिप, प्रोविजनल मेंबरशिप शायद कुछ टाइम के लिए मिलती होगी, जो भी होगा देखते हैं। उसमें ये आती हैं 6 कंपनी, तो टोटल 6 यहाँ पे आती हैं, कुछ कंपनी यहाँ पे हैं और 4 इनके फाउंडिंग मेंबर हैं। अब देखते हैं कि कंपनीज को डिसाइड कौन करता है कि किसको FDSA का अप्रूवल मिलेगा। ये वाला पहले देखते हैं कि पहले देख लेते हैं कि अप्लाई करने के लिए, मतलब आपको FDSA का अप्रूवल चाहिए तो आपको क्या क्या क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, हाउ टू अप्लाई, ये आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं मेंबरशिप में। हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या है कि आप यहाँ देख सकते हो कि आपको पहले तो एक 25,000 का वो देना होता है, चलो समझ सकते हैं कि ठीक है 25,000 रुपये चार्ज, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। और उसके बाद क्या होगा, 3 मेंबर्स ऑफ FDSA एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो आपकी इवेल्युएशन करेंगे आपकी कंपनी की। तो आप देख लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव बॉडी में रहते कौन है, ये है इनके एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये MP रेड्डी जी हैं प्रेसिडेंट, उपराजीव गुप्ता जी हैं वाइस प्रेसिडेंट, किशोर वर्मा जनरल सेक्रेटरी, रीजनल सेक्रेटरी मोहित सरदाना। तो दोस्तों एक चीज देख सकते हो आप यहाँ पे कि आपकी कंपनी लायक है या नहीं है उसका डिसीजन कौन लेंगे, ये नेटवर्कर हैं अलग अलग कंपनी के। बिकॉज आप मोहित सरदाना जी को जानते होंगे कि इबिज में बहुत बड़े नेटवर्कर थे, फिर उसके बाद इन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कंपनी, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड होगी तो आप समझ सकते हैं कि सरसों की इस तरीके से अगर हम आते हैं तो आपका आपकी कंपनी मोहित सरदाना की कंपनी के कंपटीटर में होगी, या इनमें से जितने भी लोग हैं इन सब की कंपनीज के कंपटीटर, या बोल सकते हैं कि कंपटीशन में आपकी कंपनी लॉन्च होने वाली है, और ये लोग आपकी कंपनी का क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे कि आप FDSA में जा सकते हो या नहीं जा सकते। तो मुझे लगता है और आपको भी शायद ये चीज लगे कि कहीं ना कहीं ये निष्पक्ष नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये सही तरीका नहीं है, ये एक कोई निष्पक्ष बॉडी नहीं है, जो हमारी गवर्नमेंट की कोई निष्पक्ष बॉडी हो या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई ऐसी बॉडी हो जिसको कि वो लोग टेक केयर कर रहे हो, जिसका जिनका जो किसी भी कंपनी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। ये तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे आ जाता है कि निष्पक्ष कुछ रहेगा नहीं, तो क्रेडिबिलिटी वहीं पे जीरो हो जाती है, क्योंकि निष्पक्ष ही नहीं रहेगा तो क्रेडिबिलिटी कहाँ की रहेगी। और आप एक चीज़, मैं आपको एक चीज़ और दिखा सकता हूँ, अगर यहाँ पे मोहित सरदाना जी हैं तो यहाँ पे इबिज शायद नहीं होगी, कहाँ गई वो चीज़, क्योंकि सिंपल सी चीज है, जो इबिज से निकले, जो इबिज के कंपटीटर में आए हैं, वो इबिज को, आपको लगता है कि वो इबिज को FDSA अप्रूवल को बहुत इजीली दे देंगे, या इबिज ने ट्राई ही नहीं किया होगा बिकॉज लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इनकी जो क्रेडिबिलिटी है FDSA की, वो भी सेम IDSA की तरह है, जीरो है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे भी जो लोग आपको अप्रूवल देंगे वो कहीं ना कहीं आपके ही कंपटीटर होंगे। तो कोई बेचारी, कोई एक छोटी कंपनी है, कोई नई नया स्टार्टअप है जो कि डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को यूज करके अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को प्रमोट करना चाहता है इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर, तो अब उनको प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है छोटी कंपनीज के साथ कि उन बेचारों को बड़ी कंपनियां डरा देती हैं इन चीज़ों से, कि बड़ी कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं वो जाते कहते हैं हमारी कंपनी IDSA अप्रूव्ड है। अब वो बेचारे होते हैं वो कहते हैं यार हमने तो अभी जस्ट स्टार्ट ही किया, बट कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विस अच्छा है, तो आप हमारी कंपनी लो। तो बोलते हैं नहीं नहीं आपकी तो बेकार है, अगर FDSA अप्रूव नहीं है, IDSA अप्रूव नहीं है, तो ये तो मतलब पोंजा स्कीम होगी या फिर कोई भी फ्रॉड कंपनी होगी, इस तरीके से बोलते हैं। और लोग बेचारे डर जाते हैं, उनको लगता है हाँ यार हमारी कंपनी के पास FDSA सर्टिफिकेशन तो नहीं है, IDSA सर्टिफिकेशन तो नहीं है। तो मैं आपको दोस्तों यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि FDSA के सर्टिफिकेशन की आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको, आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, पूरे लेवल पे उसको बड़े ले जा सकते हैं। अगर आपकी कंपनी की प्रोडक्ट और सर्विस अच्छे तो डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे, और आपको इनमें से किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है, किसी भी एसोसिएशन की जरूरत नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये आपके ही कंपटीटर हैं, आपको इन लोगों के साथ डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। इवन अगर आपकी कंपनी इनके अंदर है
यहाँ पे लिस्ट है, तो आप उनको बोलिए कि सर हमें नहीं चाहिए एफडीएसए का अप्रूवल, आईडीएसए का नहीं चाहिए, क्योंकि हम ऐसे किसी बॉडी का पार्ट नहीं बनना चाहते जो कि निष्पक्ष ना हो। और एक चीज और दिखाना चाहूंगा मैं आपको, जो मैंने यहाँ देखा था, अभी आप देख सकते हैं कि इनके अंदर भी अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो ऐसा नहीं है कि आप जो इसकी मेंबर हैं वो कंपनियां बहुत अच्छी हैं, क्योंकि उनके प्रमोटर्स कैसे दिखाते हैं हमारी एफडीएसए से अप्रूव्ड है, और आपके सामने बहुत उससे रहते हैं कि हाँ हमारी कंपनी तो बहुत क्रेडिबल है। बट आप यहाँ पे देखोगे ना दोस्तों, तो हर चीज बिक रही है। आप देख रहे हो 2 लाख रुपए दो फेलो मेंबरशिप ले लो एफडीएसए की, 1 लाख रुपए दो प्रोविजनल मेंबरशिप ले लो। अच्छा, प्रोविजनल मतलब इसलिए, तो ये फर्स्ट ईयर जो मैं जो कंपनियां रन कर रही हैं उनके लिए प्रोविजनल है, और जो 1 साल से पुरानी है उनके लिए 2 लाख रुपए देके, मतलब 2 लाख रुपए में आप फेलो मेंबरशिप लो, 1 में प्रोविजनल लो। और ये नहीं है वन टाइम नहीं, उसके बाद आपको हर साल 1 लाख रुपए और दो इनको, किनको, जो कि ना कोई गवर्नमेंट की बॉडी है, जिसकी ना कोई क्रेडिबिलिटी है, बस ऐसे ही 4-5 कंपनियों ने मिलकर अपनी एक एसोसिएशन बना ली है, और वो बाकी 10,000+ जो कंपनियां हैं इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, उनके आगे चौड़े होकर बोल रहे हैं कि हमारी अगर आप हमसे अप्रूव नहीं हो तो आपकी कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में, मुझे लग रहा है हमें यहाँ तक समझ में आ गया होगा इसकी क्रेडिबिलिटी हमें यहीं पर चेक पता लग गई थी एक्चुअल में, अगर आप देखोगे तो, कि ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जस्ट 3-4 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने मिलकर स्टार्ट कर दिया है, 10,000 में से 4 कंपनियां मिलकर स्टार्ट कर दिया, तो डेफिनेट सी बात है कि आपके बिजनेस को यहाँ पे आने के लिए इन इन इनका अप्रूवल लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे निष्पक्ष हो ही नहीं पाएगा कोई भी चीज़ ना। तो और ऊपर से अगर आप आ भी जाते हो तब भी आपको इन लोगों को पे करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल यूजलेस है, आपको यहाँ पे कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों लास्ट में मैं, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एफडीएसए के साथ और वही सेम एक्सपीरियंस था आईडीएसए के साथ, तो आपके साथ एक पर्सनल लेवल पे एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि देखो डायरेक्ट सेलिंग ना कोई हवा नहीं है, जैसे आप दुकान खोलते हो वैसे ही आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी खोल सकते हो। दुकान के अंदर भी आप क्या है, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी करोगे, आप ड्रग्स बेचने लग गए दुकान के अंदर, तो आप वो इलीगल हो गया, तो वो दुकान खोलना इलीगल हो गया, तो तभी तो आप पकड़े जाओगे, आप कुछ गलत चीज करोगे। तो सेम चीज है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी, ऐसा नहीं है कि आपको किसी की अप्रूवल चाहिए या किसी की परमिशन चाहिए, आपको ना एफडीएसए की जरूरत है ना आईडीएसए की जरूरत है। और लोगों का जो डर है, लोगों की जो जानकारी नहीं है, उसकी वजह से एफडीएसए आईडीएसए जैसी कंपनियां फायदा उठाती हैं, ये 1-1 लाख रुपए ले रही है 1 साल का आपसे। अब आप सोचो 10,000+ कंपनियां, अगर इनके पास 100 कंपनियां भी आ जाती हैं तो इनका तो 1 करोड़ रुपये साल का फिक्स हो गया, ये 4-5 लोगों ने मिलकर एक बोर्ड बना लिया, आपसे ले रहे हैं और क्या बोलते हैं 1 करोड़ रुपये फिक्स ले रहे हैं सिर्फ 100 कंपनी में। तो सोचो अगर 1,000 कंपनियां इनके पास आएंगे तो ये तो कितना पैसा वहां से अर्न कर लेंगे, और उस पैसे में कर क्या रहे हैं, वो पैसा ले लिया और बोल रहे हैं कि हम गवर्नमेंट से बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। दोस्तों गवर्नमेंट को लो लाना होगा, गवर्नमेंट ले आएगी, एक कंपनी इंडिविजुअल लेवल पे जाके भी गवर्नमेंट से बात कर सकती है, गाइडलाइन के ऊपर बात कर सकती है, तो ना आपको आईडीएसए के अप्रूवल है ना एफडीएसए का अप्रूवल है। और इस टाइप से क्या हो रही है, एक तरीके की आप समझ लो कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे आपका जो पैसा जा रहा है वो आपकी कंपनी के लिए भी सही नहीं है, बिकॉज अगर आप एक स्टार्टअप हो और आप स्टार्टिंग का 1 लाख रुपए इनको दे रहे हो, हर साल का 1 लाख रुपए दे रहे हो, आप वो 1 लाख रुपए अपनी कंपनी के प्रमोशन में स्पेंड कीजिए, लोगों को एजुकेट करने में स्पेंड कीजिए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि एफडीएसए आईडीएसए अप्रूवल से कुछ नहीं होता, इस एफडीएसए आईडीएसए कोई गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं है या कोई निष्पक्ष बॉडी का अप्रूवल नहीं है कि जो क्रेडिबल हो, ये जस्ट एक ऐसे ही है, इसकी कोई मतलब अथॉरिटी नहीं है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और ये जिन कंपनी के पास है वो किसी भी मामले में अच्छी नहीं है उन कंपनी से जिनके पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं है। तो आपकी कंपनी को अगर आप लेट्स सपोज किसी गांव में कोई ये हो जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आपको लगता है कि आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो लेट्स सपोज, और वो आपको लगता है कि यार ये मैं डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू प्रमोट कर सकता हूँ या एक सर्विस है मैं डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू प्रमोट कर सकता हूँ, तो आप अपनी कंपनी ओपन कीजिए, आप अपना काम स्टार्ट कीजिए, आपको कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस आई है, कोई लॉ नहीं आया है, उन गाइडलाइन के अंदर रह के आप काम कीजिए। गाइडलाइन के ऊपर मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि गाइडलाइन क्या है, वो उनको आपको पूरा डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। आपको इन सब स्कैम से बचना है, इन सब और मैं ये जो मार्केटिंग करके अपनी ब्रांड बना रखी है एफडीएसए आईडीएसए, इनका क्या, इन्होंने जस्ट मार्केटिंग पे खर्च कर रखा है, एक बार मार्केटिंग पे खर्च कर लिया, 100 कंपनियां भी पकड़ ली, तो साल का 1 करोड़ रुपए इनका फिक्स हो गया, इनकी इनकम फिक्स हो गया, जिससे हमारे देश की छोटी छोटी जो कंपनियां हैं जो बेचारी जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, उनके नेटवर्कर को, उनके डायरेक्ट सेलर्स जो होते हैं, उनको जो प्रमोटर्स होते हैं उनको काफी प्रॉब्लम होती है, बेचारे वो जाते हैं अपना एक अच्छा प्रोडक्ट लेके और वहां पे एक कंपनी बैठी होती है, वो कहते हैं कि तुम्हारे प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी कंपनी की कोई
कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है क्योंकि तुम एफडीए से अप्रूव नहीं हो या आईडीए से अप्रूव नहीं हो, और वो बेचारे मान जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार ये कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होंगी। तो मुझे लगता है मैंने इन दो वीडियो में ये चीज आपको क्लियर कर दी है कि मेरे भाइयों, आप किसी भी कंपनी के नेटवर्कर हो, आप बेडर बेझिझक आप काम कीजिए। आपकी कंपनी अगर एफडीए से आईडीए से अप्रूव नहीं है तो आप उसको बोलिए कि मत हो, क्यों अपना खर्चा बढ़ा रहे हो, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और अगर अप्रूव है भी तो आप प्लीज उन लोगों को, आप प्लीज इसके ऊपर उन कंपनीज को मत दबाओ जो बेचारी छोटी कंपनियां हैं जिनके अंदर ये अप्रूवल नहीं है, क्योंकि इन अप्रूवल की एक्चुअल में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार, किसी अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए सबको गुड नाइट।